हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और आपके साथ रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग आप सभी के लिए, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी एज ग्रुप के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, सभी जोडिक साइन। ओके, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देखकर गाइडेंस ले सकेंगे और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं पता कर सकेंगे आप कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर जो भी हैं आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए और रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले करें, जिनके साथ भी आप रीयूनियन करना चाहते हैं उनके साथ आपको जल्दी फटाफट से रीयूनियन हो जाए और सारी दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ। जो भी बीमार हैं ऊपर वाला, उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, सेक्सुअलिटी। चलिए हम सारे कार्ड्स निकालेंगे फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके। ओके, ओके, सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, ऑलराइट, और आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओके, मैनिफेस्टेशन, ऑलराइट, ओप्स, इंटीमेसी, ओ माय गॉड। ओके, आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, पहले कभी ऐसी रीडिंग नहीं, इस तरीके के कार्ड्स तो सारे तो ऐसे के इस तरीके के कार्ड्स नहीं आए हैं मेरे पास। द सिल्वर वाटरफॉल। ओके, कनेक्शन, ऑलराइट। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप जिस भी पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं गाइस, ओके, वो पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग फिजिकल भी हुए हों और वो पर्सन के साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो अभी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं वो पर्सन, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वो आपको बहुत खूबसूरत पर्सन मानते हैं, पॉजिटिव तो मानते ही हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं उस पर्सन की नज़र में। भाई, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि आपके साथ रहें, आपके पास रहें, आपके साथ जो टाइम गुजारते हैं उसके बारे में कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई हफ्तों तक वो सोचते रहते हैं। ओके, यहाँ पर फिर से हमारे पास है सेक्सुअल फ्रीडम। वो पर्सन आपके साथ फिर से अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन देखिएगा, इसमें आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, किसी कनेक्शन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप लोग की पूरी तरह से ये आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका पर्सन आ गया, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, वो फिर वापस चले जाता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, भले से कोई भी वो पर्सन हो, किसी के लिए आप ये रीडिंग देखेंगे तो उसकी यही एनर्जीज हैं कि वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन मानते हैं और आपके आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं कि अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो भाई वो पर्सन आपको एक बहुत अच्छा पर्सन, बहुत पॉजिटिव पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल मानता है। अगर आप लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हालांकि आप इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करते होंगे या फिर आपके पार्टनर के साथ आप फिजिकल हुए होंगे, उस सारे समय को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो पर्सन के साथ अगर आप सिर्फ नॉर्मल डेट पर गए होंगे तो भी वो पर्सन आपके साथ गुजारे हुए समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आने वाले समय में वो फिर आपको ज़िंदगी में अपने साथ आगे लेकर बढ़ना चाहता है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, या तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर बातचीत बंद है तो वो पर्सन भी भाई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। फिर से हमारे पास इंटीमेसी का कार्ड है,
कि ये पर्सन आपके साथ वापस से एक कनेक्शन बनाना चाहता है, वापस आना चाहते हैं। ओके, कुछ अलग है आज की रीडिंग। द सिल्वर वाटरफॉल, आप दोनों वापस से एक हो जाएंगे। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, तो भाई आप दोनों वापस से एक हो ही जाएंगे। ओके, मैनिफेस्टेशन करना है आपको। अगर वो पर्सन नहीं कर, मुझे लगता है वो पर्सन ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और अगर आप भी कर रहे हैं तो वो सारा मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन, आप दोनों डेट पे जाने वाले हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपको डेट पे लेकर जाना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर बढ़ना चाहता है। भाई बहुत अलग, जिस भी पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं ना भाई, बहुत अलग फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपको इस पर्सन के साथ किस तरीके से डेट पर जाना है, क्योंकि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो फिर से बातचीत तो हो ही सकती है। मैं टैरो भी देखूंगी, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी आई हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए टैरो भी देखना चाहिए। स्पिरिट हमें डिवाइन गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। ओ माय गॉड, गाइस देखिए बहुत हैवी एनर्जीज है। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओ ओ ओके, देखिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, हो सकता है सेपरेशन हो गया आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन की वजह से, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, उसके साथ आप दोनों का समय काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन अब आप दोनों अलग हैं, तो भाई रीयूनियन हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ध्यान से रीयूनियन कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन फिर आपके इमोशंस के साथ खेले और फिर चले जाए। ठीक है, वो पर्सन जानता है कि आप उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप भी। उस पर्सन को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई जब भी वो पर्सन आएगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बात करेगा, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, हो सकता है आप मैरिड हैं और वो सामने वाला पर्सन भी मैरिड है, या आप मैरिड है वो सिंगल है, कुछ तो ऐसी चीज़ है। पेज ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी स्टॉक करता है, और अगर आप आमने सामने हैं तो आपके बारे में पता करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है इसको, और ये पर्सन पता करता रहता है आपके बारे में, या करती रहती हैं, क्योंकि ये आपके आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं भाई। अगर आप दोनों कभी मिले भी नहीं है, नॉर्मल बातचीत हुई है, तो इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके बहुत अलग हैं। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में, प्यार में आना चाहता है। अगर आप किसी ऐसे ही पर्सन से डील कर रहे हैं जिसका आप वेट कर रहे थे, तो भाई ये पर्सन वापस आना चाहता है आपका, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, डेट को डेट के तक ही सीमित रखें, ज़्यादा किसी के इतने नज़दीक नहीं जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए। ओके, ये पर्सन की एनर्जी, अगर आप इसके साथ डेट पे जाने के लिए मना करेंगे ना, तो ये आपको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि इसको अपनी नीड पूरी करनी है आपके साथ। तो एनर्जीज बहुत अलग हैं, कभी मेरी रीडिंग में इस तरीके की एनर्जीज नहीं आई, तो मुझे आप दोनों को, इसलिए मैंने टैरो भी यूज़ किया कि मुझे, मैं आप लोग को एनर्जीज बता सकूं। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और काफ़ी समय हो गया होगा, अचानक ये पर्सन आएगा और आपको, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बात करेगा, तो भाई देख लीजिएगा, ध्यान से जाइएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको इस तरीके से दिखा सकता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें या नहीं खोना चाहती हूँ। ओके, आप दोनों यहाँ पे डेट पे जा सकते हैं बहुत जल्द। ओके, तो इस पर्सन की बातों में आने से पहले आप खूब अच्छे से सोचें समझें सारी चीज़ें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ज़्यादा टाइम नहीं है आप दोनों के रीयूनियन होने में, ये पर्सन बहुत जल्दी अगर अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा, आपके बारे में पता करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस पर्सन में, ऑनलाइन आपको सर्च करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, हर चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। एक बहुत बड़ा स्पैम हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने दूसरे चैनल पर भी बताऊँगी। ऑनलाइन डेट करना आप लोग प्लीज़, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है। ऑनलाइन ये मैट्रिमोनियल साइट पे, ये डेटिंग साइट पे जाना आप लोग प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ओके, आज ही किसी को मैंने उनकी परमिशन है मुझे, मैं दूसरे चैनल पर भी बताऊँगी आपको, एंड पूरा वीडियो अपलोड करूँगी इस चीज़ के लिए, पूरी स्टोरी बताऊंगी जिससे कि आप लोग समझ सकें। तो जिस भी मैं चैनल पे अपलोड करूँ ना, प्लीज़ उधर जाके ज़रूर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, मैं पहली बार किसी वीडियो के लिए कह रही हूँ कि आप जाकर देखिएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ नहीं की है, तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो
जब आप देखेंगे ना, तो भले से वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा मत कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उस बात को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो पता नहीं कितने लोग बच जाएंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड भाई बहुत गलत तरीके से हुआ है। इसलिए अभी तो मेरी रीडिंग पूरी हो गई है, मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन जहाँ भी मैं अपलोड करूँ जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, जस्टिस, अगर आप लोग अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए गाइस ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पार्टनर वापस से आपके लिए आना चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। किसी ऐसे पर्सन के लिए हम देख रहे हैं जिसके साथ आपका सेपरेशन था, वो पर्सन वापस आ सकता है, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ के अलावा एनर्जीज हैं उसके लिए मैं थोड़ा अवेयर रहने के लिए बोलूँगी कि ऐसा नहीं हो कि कहीं वो आप पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको मीठी मीठी बातों में ले और फिर आपसे दूरी बना ले। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। इमोशनल ब्लैकमेल करना लाइक कि अरे हम इतने दिनों बाद मिले हैं, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही हैं। इसके ऐसी किसी भी बातों में फिलहाल आपको नहीं आना है। हाँ, आप डेट कीजिए, अपनी बातों को अपने रिलेशनशिप में जो भी बातें हैं आपकी उसको क्लियर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो गाइस ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई तो अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा अवेयर रहें। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, जब मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तो आप लोग वेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।